ये देखो एंटीना खड़ा कर रखा है इसने अपने बालों पे। जियो का टावर 5G चल रहा है देखो। चेहरे का मतलब रौनक जो थी ना कल शाम को वो हो गई है ख़त्म। काटते हैं अब इसको फटाफट से और साथ में सलाद भी अभी काट देती हूँ, फिर रखूँगी मैं चावल वगैरह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आज मैं जल्दी उठ गया था इसलिए थोड़ा कमरे में साफ सफाई कर रहा था, तो अचानक दूसरे लोग भी उठ गए हैं क्योंकि बेबी थोड़ा सा रात को कम सोई थी इसलिए। तो दोस्तों दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी किचन में। किचन में है आपकी दीशु इगराल ब्लॉगर, तो मैं उसको दिखाऊँगा और वो आज सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत करेगी। उससे पहले मैं आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ क्योंकि आज बन रहे हैं स्पेशल पराठे जो मेरे को बहुत पसंद है। सभी को पता है, वैसे पहले भी पता चल गया होगा लेकिन फिर भी दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे को पराठे बहुत पसंद है, इसलिए आज महारानी जी पराठे बना रही है, तो देखते हैं और उनके मजे भी लेते हैं। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ किचन में और आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। आप देखोगे ये सब्जी दिखने में इतना गंदा टाइप का लगता है लेकिन ये है गडेरी की सब्जी जो कि अरबी होती है, मोटा वाला अरबी। एक तो छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है, तो ये बड़े वाले की अरबी की होती है। तो इसकी जब सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनती है ना दोस्तों, वो तो एक पहाड़ी जानता है और उसका स्वाद भी एक पहाड़ी जानेगा क्योंकि प्लेन्स में बहुत कम बनती है ये चीज़ें। तो दोस्तों जो भी प्लेन्स में जो भी मतलब प्लेन्स के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे तो वो प्लीज़ पक्का ट्राई करें इसकी सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाने के बाद उसका स्वाद देखोगे। तो उसकी रेसिपी हम आपको प्रॉपर बताएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया तरीके से बताएंगे क्योंकि अभी हम जब हमने बनाई थी तो उस समय मैं बता नहीं पाया या दिशु भी बता नहीं पाई। तो अगली बार जब भी बनाएंगे तो पूरी डिटेल में ब्लॉग डालेंगे उसका एक नया सा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पराठे बन चुके हैं मेरे लिए दो नाश्ते के और एक और बनने जा रहा है, लास्ट फाइनल है शायद, मेरे ख्याल से फाइनल है। हाँ तो दोस्तों आप करेगी दिशु आपकी गुड मॉर्निंग की शुरुआत। हाँ दिशु, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन की सारी आशीर्वाद के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी हो रही है मॉर्निंग, मॉर्निंग के करीब हो रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे मेरा बन रहा है यहाँ पर नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं फौज साहब की ख्वाहिश थी कि मैं उनके लिए पराठे बनाऊँ, तो मैं उनके लिए पराठे बना रही। बाकी हम लोग हमारे लिए तो रोटी रोटियाँ ही बन रखी है क्योंकि ना हम लोगों को ज़्यादा पराठे वगैरह पसंद नहीं है क्योंकि इससे गैस वगैरह होती है, तो मुझे तो पसंद नहीं है, तो इनके लिए बना रही हूँ। वैसे देखा होगा अक्सर आप लोगों ने कि मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों जैसा कि इसने बताया है कि पराठे से गैस ठीक होती है लेकिन मेरे को नहीं होती क्योंकि मैं एक जगह रुकने का नाम नहीं लेता। मैं एक जगह रुकने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ काम कुछ ना कुछ करते रहता हूँ इसलिए मेरे पेट में गैस ठीक होती नहीं है, हजम हो जाते हैं ये पराठे मेरे। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि घर वालों को पराठे पसंद नहीं होते, ज़्यादातर रोटी खाते हैं ये लोग, तो रोटी ठीक है बन। तो हेलो गाइस, आप ये देखो एंटीना खड़ा कर रखा है इसने अपने बालों पर। जियो का टावर 5G चल रहा है देखो। तो दोस्तों ये देखो बकरी और कुछ नहीं है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर कड़कड़ाहट शुरू हो गई है और पापा कमर में हाथ लगाना शुरू कर दी है क्योंकि कमर अब डिसबैलेंस होने लगी। ये है हमारे बुलेट राजा। ना मरी है बबली। ले 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 ले
अब तुमने छड़ेल जे देख के बाद वे अरे ट्रैक्टर खराब
नाशपति तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रैक्टर लगे हैं, ट्रैक्टर के साथ ये बड़ा वाला ट्रैक्टर है, मतलब वॉश आउट कराने के लिए ये बोल रहे हैं छोटा ही बड़ा आवाज़ की साउंड ये सीधे रखते हैं, रेड लाख सीधे रेड लाख पर बीच छोड़ ली है, मतलब यानी कि बेस डाल लिए यहाँ से। ये मैंने जो डाला था अभी, मैंने वो गेहूँ के थे और ये जौता फेंक रही है। जौता यानी कि एक खाद शैब का होता है, खाद तो क्या मतलब घास शैब की, जो गाय अच्छी तरह खाती है। तो दोस्तों आज का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, अभी सुंदर क्योंकि धूप खिली हुई है, आसमान बिल्कुल साफ है, तो सारे लोग लगे हैं काम में।
यहाँ पर बार बार ये खुलने वाला सिस्टम ठीक नहीं है, आवाज नहीं आएगी यहाँ तक। साहब पीछे देखो ना, बता भी नहीं रहे कितना पता हो रहा है। और ये भेंट टेढ़ा हो गया, बस लास्ट बच गया ये थोड़ा सा, और ये फट भी गया है। हल्का और ठोको थोड़ा, ना 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 छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं फिर तो शायद जल्दी फट जाते ना। ये समय जा रहा है, जिस किसी ने भी अगर हथियारों का ये होल्डर लगाना है तो हमसे संपर्क करें, और संपर्क करने के लिए आपको ब्लॉग देखनी पड़ेगी क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर चूज किया है, वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। फ्री में है ये, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर हमारे चैनल को देखोगे और सब्सक्राइब करोगे तो यही हमारे लिए मूल्य होगा। इसके बदले हो गया, ये देखो मेरे कारीगरी थोड़ा सा यहाँ पर बैंड हो गया, ठीक है चलेगा काम आपके लिए। सो हेलो गाइज, हम पहुंच चुके हैं काम वाम करके, देख सकते हैं हमारे पैर कितने सुखीले सुखीले हो रखे हैं, हाँ हाँ मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरी, जूते से पैर से लेके मुंह में तक देखो, चेहरे का मतलब रौनक जो थी ना कल शाम को वो हो गई है ख़त्म। और पड़ चुके हैं, और देखो भतीजा और मैं मतलब थके हुए, भतीजे ने तो पैर है धो लिए, अभी मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रहा था तो मम्मी यहाँ पर परेशान मम्मी को दिखाऊंगा मैं आपको कैसे परेशान हो रखी हो, और अंदर हमारी गुस्सा किस लिए हो रखी हो, गुस्सा किस लिए आ रखा है आपको,
हाँ तो देखो दोस्तों, बकरियों के लिए कभी प्यार आता है इसको, कभी गुस्सा। आज इसने मतलब बकरियों को इतना चूट रखा है, चुटान धुसान कर रखी है इसने। तो आज आपने बकरियों को क्यों मारा भाई? मैंने मारा नहीं, क्यों फिर ये बताओ? मेरे को गुस्सा आया तभी मारा। तो बकरियों को क्यों मार रहे हो भाई? ठेची दूंगा। ठेची देंगे? ये देखो आप, ये एक नई भाषा यूज कर रहे हैं, ठेची देंगे। और ये अभी ठेठ पहाड़ी भाषा यूज कर रहे हैं जिसको ठेची बोलते हैं, यानी पीटना बिल्कुल ही। ये देखो पैरों की हालत आज तो बहुत बुरी हो गई यार। चलो कोई नहीं, अभी नहाना धोना करते हैं। तो हो गया है दिन के खाने वगैरह बनने का टाइम। और यहाँ पे देखो मैं तोड़ के ला गई हूँ राई के पत्ते, साथ में मूली देखो इतनी बड़ी हो गई है हमारी। तो आज देखी मैंने तो, इसलिए मैं आज इसको भी तोड़ के ला गई सैलेड के लिए। देखो काटते हैं इसको फटाफट से, और साथ में सलाद भी अभी काट देती हूँ, फिर रखूँगी मैं चावल वगैरह। सो गाइस, आज मैं खा रहा हूँ डांट बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेत से काफ़ी लेट आया मैं और यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं थोड़ा सा आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि पता नहीं चलेगा कि पलटा हाथ में है, उसी से भी लग सकती है भैया। तो दोस्तों अपने वाइफ का कहना मान लिया करो थोड़ा सा। और दूसरी बात ये है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करो ताकि वो गुस्सा ना करे। मैं तो आज बहुत गाली खा रहा हूँ, जैसे ही तेरे को देखेगी तो पता चल जाएगा आप लोगों को भी, लेकिन देखेंगे नहीं वो, फिर भी कोशिश करेंगे मनाने के लिए। मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी गुस्सा करूँगा और उसके बाद फिर एक बार ब्लॉग बनाऊँगा कि दोनों गुस्से हैं, आप देखते हैं कौन जल्दी मानता है कौन नहीं। वैसे मतलब खाना तो टेस्टी बना रखा था आज भी, कल भी, कल शाम को तो जो सब्ज़ी दिखाई थी वो आज सुबह भी नाश्ता किया पराठे के साथ, आपने देख ही लिया था। लेकिन जो अभी बना रहे हैं चने का पिसा हुआ साग, यानी जो काले वाला चना होता है उसका पिसा हुआ साग, अरे मस्त तरीके से कढ़ाई में बनता है और इतना टेस्टी होता है कि पूछो मत। वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, और मेरे को ऐसा लगता है कि आज नहीं माने जाएंगे यार थोड़ी देर बाद, पक्का। इतना गुस्सा नहीं होते हैं हमारे श्रीमती जी मिसेज, थोड़ा सा गुस्सा आता है कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा आना ज़रूरी है, गुस्सा नहीं आएंगे तो हम सुधरेंगे कैसे यार। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, दिखाते हैं आपको चुका है खेती बाड़ी का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहती हूँ, खान खत्म कर दिया थोड़ा है, वो खुदा खुदान करना है, खुदान करना है। मतलब क्या सोने की खान है क्या वहाँ खुदान करना है? अच्छा कहाँ आई है दिवाली? अभी आ जाएगी। आपने तो कोई न छौना पट्टी न कुछ न कसा, कुछ नहीं कसा क्या बात? दिवाली मतलब क्या हुआ ये बताओ? दिवाला नहीं, दिवाली में सबका निकलता है दिवाला। दिवाला मतलब दिवाल वाला। और यहाँ पर जनाब क्या लाए हैं? जनाब आप क्या क्या लाए अभी? तो ये थोड़ा दूर जाके बोल सकते हो आप? हाँ ये अब आजकल ये खाना शुरू कर दिया इसने। और क्या क्या खाना शुरू कर दिया जी? ये आजकल सारी दुकान यहीं ला रखी है। तो ये है अब चिप्स खाने लग गया है ये। ये दोबारा से हाँ, ये क्या है ये? सुविधा तो बहुत ही गंदी चीज़ है, ये नहीं डालेंगे यार हम।